भाई इतनी तेज आंधी आ गई यार। ओए भाई चेक करो, फिर गंदा हो गया भाई मेरा, मेरा जा रहा है मुंह सारा गंदा हो गया भाई, इतनी तेज आंधी आई है, सामान गिर गया मेरे नीचे सारा। देखो पन्ने वाड़ नहीं आई है भाई। भाई लोग फाइनली पानी ले आए हूँ और आप लोगों ने जो है ना सिर्फ एक क्लिप देखा कि मैं फिल्टर में जा रहा हूँ भाई, उससे निकल के मैंने 6 फिल्टर में होके आया हूँ, मुझे पानी नहीं मिला। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। तो भाई जान पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेरी वीडियोज जो है ना आगे बड़ी मजे की आने वाली हैं। छत के लिए कुछ सामान आने वाला है, छत पे कुछ मजे मजे की चीज़ें होने वाली हैं, क्यों भी तहा होने वाली है ना मजे मजे की चीज़ें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मजे का होएगा, है ना, फन होएगा ना मजे का कुछ। यह बच्चे भी कह रहे हैं होएगा, बच्चों को पता है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को पता लगेगा तो मैं भी बताऊँगा बताऊँगा इंशाल्लाह। शहर शेरपुर शरीफ की सिनेमेटिक साथ लोगों ने देखी नहीं है, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि जो होते हैं ना सरसों के ऑयल की मिल, वो किस तरह से होती है और किस तरह से उसमें काम होता है, और मतलब पूरा पूरा प्रोसीजर जो है उसमें वीडियो बनाई है, देख लो आपको क्या है। भाई देखो यार ये है जी जहाँ पे ना ऑयल वगैरह निकल जाता है सरसों का, ये देखो ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं भाई साहब, चेक करो इतनी बड़ी मशीन है ये, और भी सारी मशीनें लगी हुई हैं, इनमें से सारा ऑयल निकलता है सरसों का, और मैं भी सरसों का ऑयल लेने आया हूँ क्योंकि हम यार जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं खाने में सरसों का ऑयल, क्योंकि एक वजह से वैसे भी ये बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए और साथ में इसके ना फ़ायदे बहुत हैं। तो ये देखो ये मुझे गाँव की खल वगैरह पड़ी होती है यहाँ पर इनके पास, भाई लगे हुए काम कर रहे हैं सारे, देख सकते हो ये तांबी में जो है ना ऊपर से डालते हैं, नीचे से जो है ना ऑयल निकलता है इसके अंदर से, देखिए ये ऑयल आ रहा है ये ना हमारा भी, देखो भाई बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं माशाल्लाह। तो ये जो मशीन है ना इसका सीन कुछ इस तरह है कि ये जो होते हैं ना सरसों के बीज होते हैं उनको ऊपर से डाला जाता है और ये हाईली कंप्रेस्ड होकर ना अंदर से बीज निकाला जाता है, और जो ये मैं मशीन दिखाने लगा हूँ अभी ये भी इस तरह से जो है ना ये भी रॉ फॉर्म में ऑयल निकालता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके इससे ऑयल निकाला जा रहा है, और ये देखो जो होते ना कि जो सरसों के बीज हैं कंप्रेस होकर आगे बड़ी तार निकल रही है, और जो होते हैं ये ताड़े वगैरह होती हैं ये भी यार मतलब कि ना आगे जो मतलब भैंसे गाय होती हैं ये खाती होती हैं, और बड़ा मतलब कि ना मतलब उनको भी इसे प्रोटीन वगैरह मिलता है जो भी इनकी चाहिए और ज़रूरत हो इनको मिलती होती है, ये इनका जो तोड़े में के वही बीज वगैरह, और इसके अंदर ना भाई यहाँ पर एक ना फिल्टर भी लगा हुआ था, फिल्टर में से भी जो है ना ये जो ऑयल है ना हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल पका के ऑयल में मिर्ची वगैरह डाल के सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब सीन में हमें थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ से ही आप लोगों को तकरीबन 650 के रेट पे ना ये ऑयल मिल जाएगा, और ऑयल भी खाने के लिए मतलब आपने बस को हांडी में डाल के इस्तेमाल करना है। हम जो इस्तेमाल करते हैं ना ऑयल पहले हम करते थे वो हम करते थे कि भाई ऑयल को मतलब कि ना पूरा पका के फिर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब भी जो ऑयल मिला ना ये बेहतरीन बगैर किसी स्मेल के बगैर किसी और चीज़ के बेहतरीन। तो फाइनली भाई लोग भी जो है ना मैं ऑयल शॉयल ले आया था, और भाई ये भी जो है ना तो भाई साहब फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ यार, मैं गया था ना तेल लेने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि भाई फुल्ला माफ़ करे, तो भाई अब फाइनली जो है ना मैं नहा धो के आ चुका हूँ, अब चलते हैं दुकान पे, टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा ही हो गया लेकिन कोई बात नहीं यार, फिर जब घर पर काम हो तो फिर करने पड़ते थोड़ा सा, चलते दुकान पर भी हम।
फाइनली यार दुकान हम खोल ली है हमने, और भाई देखो कितनी कल जो है ना कितनी तेज़ आंधी आई थी। मैं एक वीडियो अंदर ऐड कर दूंगा बीच में वीडियो में, देखो भाई इतनी तेज़ आंधी आई थी कि मेरा जो है ना प्रॉपर जो है ना शीशा वगैरह सब कुछ गंदा हो गया था, फुल मिट्टी थी मिट्टी वाले से, और भाई मेरी चीज़ें ऊपर से गिर रही थी। ठीक है ये देखो, अब मैंने सुबह की सफाई की है, सफाई अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। ये देखो यहाँ पर ना अब लोगों को मिट्टी नजर आ रही होगी, तो भाई इतनी तेज़ आंधी इतनी मिट्टी उड़ी है भाई। आप देख सकते हो दलिया आ गया मेरा, डाइट चल रही है भाई फुल, पेट कम करना है, पेट इंशाल्लाह पेट कम हो जाएगा, पक्की बात है भाई इंशाल्लाह हम पेट कम करके ही रहेंगे, क्योंकि भाई ईद आ रही है और ईद पे जब हमने ड्रेस पहनना है वो अगर थोड़ा बुरा लगा तो फिर मज़े का काम नहीं होगा। डाइट करते हैं फुल भाई, दलिया आ गया मेरा, ओए दलिया आ गया भाई, खाते हैं। One eternity later. तो ये भाई साहब फहद का जो मोबाइल है ना टूट गया है, दिखाई दे रहा ये देखें जी, फहद का मोबाइल माशाल्लाह से सूरी चढ़ चुका है, और फहद भाई बड़े यार दुखी मिजाज के सिर पे बैठे हुए हैं कि यार भाई का मोबाइल टूट चुका है। और कोई बात नहीं यार, लेकिन कोई बात नहीं बात, ऐसा लग रहा है जैसे है ना वो जो मीम चली हुई है कुछ जिनसे वो खोपड़ी होती है, वो फिर पहले हंस रही होती है फिर उसके बाद जो है ना जैसे वो आंखें काली है मुंह काला सा कुछ होता है, सिर्फ वो सीन लग रहा है तेरे साथ यार अभी सोचना, वो फ्रेश नहीं ना चला इस वजह से। जो रूटीन है ना वो फुल तरीके से खराब हुई हुई है, और मैं रात को वीडियो खड़ना भी एंड करना भूल गया था, तो अभी जो है ना मैं नाश्ता वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन ये अगले व्लॉग में आएगा ठीक है ना। तो अभी यहाँ मैं करता हूँ व्लॉग को एंड, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रख लेना, और वीडियो को लाइक कर दिया, मेहनत होती है डेली व्लॉगिंग में, डेली व्लॉगिंग आसान नहीं है यार, देखो रोस्टिंग वगैरह और होता ना उनके गेमिंग वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, उनमें बस अपने कंप्यूटर पीसी के बैठ जाना होता है और 5-6 घंटे उनके गेमिंग कार्ड के, तो उसकी लंबी सी वीडियो बना के फेंक दी, वॉच टाइम आ गया, सब्सक्राइबर आ गए, व्यूज़ आ गए, पैसा आ गया, रेवेन्यू आ गया, पैसा बनाना आसान है। व्लॉगिंग के लिए ये कंटेंट चाहिए आपको, हर रोज़ आपको अलग अलग चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, आप लोगों को अपनी कम्यूनिटी को बोर नहीं करना पड़ता, इसलिए भाई सब थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है ना मदद लगती है, मेहनत लगती है इसमें व्लॉगिंग में। तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दो किसी दोस्त के साथ के, सब्सक्राइब कर दो भाई को, और मेरे 10 सब्सक्राइबर टैग के भाई चंद सब्सक्राइब करो, और यार बस काम खत्म करो।